चलिए शुरुआत करते हैं। मेंडली पीरियड टेबल से बात करते हैं आज की। मेंडली पीरियड टेबल से भैया बात करते हैं आज की। ठीक, अब बहुत लोग का रिवाइज हो जाएगा, बहुत लोग का जो है जो नहीं आए थे पिछले क्लास में वो पढ़ लेंगे। ठीक है, सब सही है ना? ब्लर तो नहीं है? ठीक है भैया, तब चलिए शुरुआत करते हैं। मेंडली पीरियडिक लॉ, कौन कौन बताएगा? मेंडली पीरियडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होते भैया? ये होते हैं पीरियडिक फंक्शन। किसके पीरियडिक फंक्शन होते हैं? देयर एटॉमिक मासेज के, अपने एटॉमिक मासेज के होते हैं ना पीरियडिक फंक्शन, है ना? ओमकार सही है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, भैया सही है यहां तक? तो दैट इज का आगे क्या होता है बताइए? अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। फिर देन एट ए रेगुलर इंटरवल देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड। चलो देवियों पूछते हैं, दो देवी अभी आई हैं। ए बेटा बताओ, मेंडली पीरियडिक लॉ क्या है? खाती पीती नहीं है, कुछ भी क्या बोली किसी ने सुना ना? बताओ जल्दी से। बिना देखे बताया ना? वेरी गुड, देखो तेज बच्चा हो गया है। ठीक है, तुम बता लो बेटा। हाँ, तुम किसी क्लास में नहीं आती हो, मुझे पता है। एक क्लास इसका गायब ही हो जाता, किसी क्लास में नहीं आती। वो क्या था, टाइमिंग था? अब टाइमिंग सही हो गया है, पहले हम लोग दोपहर में पढ़ा देते थे। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ये सबको आ गया मान लें? ठीक भैया, सबको आता ना ये? आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ लेना भाई ध्यान से। ठीक है, पिछले वीडियो मेंडली पीरियड टेबल मैंने ग्रुप में डाला था, एक वहां से देख लेना। चलो आगे देखते हैं। मेंडली पीरियड टेबल जो है उसमें कितने एलिमेंट है ये बताओ पहले। कैसे रखे गए थे? सात हॉरिजॉन्टल रो में। अच्छा, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे ना? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में थे, सात हॉरिजॉन्टल और एट वर्टिकल रो में। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? ग्रुप में एलिमेंट को रखते समय, किन बातों का ध्यान रखा? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट। हाँ, ग्रुप में एलिमेंट को रखते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में रहें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? कहीं कहीं पे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में रहें। अब पूरे एलिमेंट जो है उनको नहीं मिले, सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट कहाँ पर रहें भैया? सिमिलर ग्रुप में रहें, तो पूरे एलिमेंट उनको नहीं मिले। तो जो एलिमेंट नहीं मिले उनके लिए उन्होंने क्या किया, क्या प्रावधान किया? खाली जगह छोड़ दिए। बाद में उन सभी एलिमेंट की डिस्कवरी होती है और उनकी प्रॉपर्टी वही पाई जाती है जो मेंडलीव ने उनकी खोज से पहले बता दिए थे। ठीक है, ग्रुप को दो तरह डिवाइड किया था। कैसे दो तरह से भैया? 1-7 को ए और बी सब ग्रुप में, भैया 8वें को तीन सब ग्रुप में किया था। बहुत अच्छे, किसको? 9 एलिमेंट थे उनको एडजस्ट करना था। हाँ, तो आगे देखिए पहले इसमें, ये तो इनकी पूरा ये प्लान है, स्ट्रक्चर है, ये प्लान स्ट्रक्चर क्लियर है ना? ये अब मत बताओ, देखो इधर, ये समझ में आया सबको? चलो ठीक है, मेरिट कौन बताएगा? मेरिट तीन है, तीनों बताने हैं। मेंडली पीरियड टेबल के तीन मेरिट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। बहुत अच्छे, अब ये बताओ कौन कौन से नए एलिमेंट का, तुम तीनों में से बताओ क्या भैया कौन सा प्रेडिक्शन? चाहे ये तीन लड़कियां आगे बताएं, चाहे ये तीन लड़के पीछे वाले बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया था, खाली जगह जिनके लिए छोड़ी थी। गैलियम था, जर्मेनियम था, स्कैंडियम था, टेक्नीशियम, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा एका था? एका एल्युमिनियम, यानी प्रॉपर्टी सिमिलर टू
एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये कौन सा एका था? ठीक है, ये एका मैंगनीज था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, जैसे किसका किसका करेक्शन किया था? बेरिलियम का किया था, गोल्ड का किया था, प्लेटिनम किया था, इंडियम का किया था, और किसका किया था भैया? यूरेनियम का किया था। इन सबका करेक्शन किया था, हाँ, पर बहुत ज्यादा मेंशन नहीं था तो उसको छोड़ दिया। ठीक है भैया, ये इनका था मेरिट। डीमेरिट क्या क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन नहीं दे सके, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और अनलाइक एनोमैलस पेयर, एनोमैलस पेयर, एनोमैलस पेयर वाले एलिमेंट कौन से थे जिनका पूरा पीरियडिटेबल किसके बेस पे था? आ जाओ बेटे, पूरा पीरियडिटेबल किसके बेस पे था बताओ? पूरा पीरियडिटेबल किसके बेस पे था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के, जो एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। कुछ ऐसे एलिमेंट जो एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे भैया, उनको कौन सा पेयर बोलते हैं? एनोमैलस पेयर। एनोमैलस पेयर में कौन कौन आते हैं? ये सब है ना एनोमैलस पेयर। ठीक है, अनलाइक एलिमेंट को सिमिलर ग्रुप में रखा, ये तो आपने लिखा है पिछली क्लास में, मैंने पढ़ाया है ये सब। लेकिन कुछ और ड्रॉबैक थे भैया, जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए वो कंफ्यूज थे, उसको थर्ड ए में रखेंगे थर्ड बी में रखें। लोगों ने ये भी पूछा कि ये बताओ मेंडलीफ, ये पीरियडिसिटी क्यों होती है? जब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में हम एटम्स को रखते हैं, तो एक एलिमेंट्स को रखते हैं एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम से, तो एक रेगुलर इंटरवल से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होती है? तो इसको भी नहीं बता पाए। अब इसके बाद इन सबको बताने के लिए और लोग आते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं। मेंडलीफ का पीरियडिटेबल हो गया, सबको आता भी है, मुझे लग रहा 80% लोग को एकदम तैयार है, बाकी 20% को भी तैयार हो जाए, एक दो बार कॉपी अपनी पढ़ लेंगे तो है ना। 80% 80% अकेले लड़का थोड़ी होगा। हाँ अच्छा, ये बात है। ओमकार आप बता लोगे ना भैया? बताओ फिर। बता ही दो आज, तो सबका मुंह बंद करा दो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, आज प्रूव करने का मौका है। हाँ चलो, चल रहा है, वो भी देखना था। वो थोड़ा शर्मिला लगता है, जान दो, अगली बार बताएगा। ठीक है ना, अगली बार बताओगे ना? बताओ वो बताओ, मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ बता लोगे? फॉर्म में आ गया, कहते ही फॉर्म में आ गया, बस करो, तुम्हें आता है, मान लिए। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जल्दी जल्दी इसको देख लेते भैया, ताकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, अभी इसको लिखे हो, बहुत लोग नोट्स बनाए होंगे ना भैया इसका। एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? हेनरी, वेरी गुड, हेनरी मोजले भैया। आपके ग्रुप में इसका भी मैंने अभी शूट किया था पिछले बार, लेक्चर स्कूल के लिए दिया था। तो यहाँ से भैया, जैसे पहले कैथोड रेज, जैसे कैथोड रेज पहले डिस्कवर होती थी, वैसे ही पूरा ये सेटअप लिया गया, वैसे ही पूरा सेटअप लिया गया। अच्छा बातचीत में अगर शांत रहो तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पूरा इन्होंने कैथोड रेज वाला सेटअप है, वैसे अब यहाँ से जो निकल रहा था कैथोड रेज, इसको इन्होंने ये मेटल सरफेस से स्ट्राइक कराया, तो कौन सी रेज आएगी इसमें? एक्स रेज आएगी। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिए, मेटल बार बार बदल के लिए, और क्या देखा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती किस पर डिपेंड करती भैया? एटॉमिक नंबर पे। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे किस पर डिपेंड की भैया? एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड किया। और ये जो है मेटल, उन्होंने बदल बदल के लिया, एक ही मेटल पर नहीं, जितने भी मेटल लिए सब में यही रिजल्ट आया। तो इससे ये पता चल गया कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। तब इसके आधार पर इन्होंने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया भैया। क्या दिया? मॉडर्न पीरियडिक लॉ। ठीक, ये मुका खाएगा अभी, इधर देखो पहले। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है बताओ? बताओ बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दैट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन एट ए रेगुलर इंटरवल।
अभी कुछ समझ नहीं आया तो लो आपस में बात करो, बता रहे हो, सुना पहले ऐसा शांत रहो, एक एक करके बताओ, इधर ही देख के बताओ, फिर अगल बगल देख के बताए लगते हैं। ये बताओ मॉडर्न पीरियड ला कौन बताए, एक लड़का बताओ कोई, ये बताएगा, ये बहुत बोलता है, इसी से पूछते हैं। बोरबरी कहाँ पकड़ रहा है, मॉडर्न पीरियड ला बताओ। अच्छा, इसका मतलब ठीक है, दूसरी तरह बता, लेकिन वही बात बता। चल ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ आ गया ना सबको, इसको एक बार मैं पढ़ के फिर आगे बताता हूँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसके आगे फिर चलते हैं धीरे धीरे करके। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियडिक फंक्शन ऑफ, देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर एटॉमिक नंबर, भैया मॉडर्न वाला है ना, देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन एट ए रेगुलर इंटरवल देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने बांटा, ठीक है, इसको देखते हैं, ये सब रिवीजन चल रहा अभी। चलिए देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल कितने इसमें भैया, 7 हॉरिजॉन्टल रो थे और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, और अब आईपीएससी ने क्या किया है उसको 1, 2, 3, 4 दे दिया, पहले रोमन थे भैया पूरे, है ना, ठीक है। सबसे पहले में फर्स्ट ए है, सबसे पहला इसको 1 बोला जाता है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन भी रखा जाता है जो कि एक्सेप्शन है, और कौन है, ये सब है ना, फिर कौन सा है, सेकंड ए है जिसको 2 बोलते हैं हम लोग, 2 में कौन सा है, ये सब है, फिर कौन सा ग्रुप शुरू हो जाता भैया, थर्ड बी, थर्ड बी में कौन सा है, ये सब एलिमेंट है। ऐसे में पूरा टेबल लिख सकता हूँ, हालांकि अभी केवल ग्रुप बता देते हैं बस, वैसा माहौल बन ही नहीं रहा अभी, एकदम शांत नहीं हो रहे हैं सब लोग, आपस में बिजी हैं बात करने में, दोहराया क्यों जा रहा है आप ही लोग के लिए, और आप लोग अभी बिजी हैं दूसरी चीजों में, तो हम एक काम करते हैं इसके आगे जस्ट पढ़ा करके, जो नहीं पढ़ाए वही पढ़ाते हैं, क्योंकि दोहराए कोई मतलब सबको आ रहा है, अभी तो बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए आगे पढ़ाते भी ये पढ़ा रहे थे एटॉमिक साइज। चलिए एटॉमिक साइज पे बात करते हैं, एटॉमिक साइज में अभी कुछ चीजें थी भैया, जैसे एटॉमिक साइज में कुछ अभी नहीं हुआ, एटॉमिक साइज आप डिफिनेशन जानते हो बस ना, अभी जैसे देखिए ग्रुप में, इन ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता भैया, एटॉमिक साइज क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा भैया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल भैया इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना, ये ग्रुप में होता भैया ऐसे, जैसे आप नीचे तब जाइए, जैसे देखिए लिथियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है भैया, सीजियम है, फ्रांसियम है, हाँ भैया लिथियम सोडियम पोटेशियम वो रेडियो एक्टिव के बारे में कुछ वो नहीं किया था, तो यहाँ से इतना है, तो सबसे बड़ी साइज इसमें किसकी मानी जाएगी, इतने में सीजियम की, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर लिथियम है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल भैया ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, बताया रेडियो एक्टिव को नहीं लिया जाता, फ्रांसियम लिखे होते तो लेते, यहाँ नहीं लिखे हैं ना हम। चलिए ठीक है, पहला ग्रुप है भैया, दूसरा क्या है इसमें, इन पीरियड, पीरियड में क्या करते हैं भैया, जैसे आप इधर से इधर जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है कार्बन है, नाइट्रोजन है भैया, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस तरह से, तो इधर से इधर जाएंगे भैया, साइज क्या होती है इनकी, डिक्रीज होती है भैया, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता भैया, ये इंक्रीज होता है। आप कहेंगे ये चार्ज क्या है भैया, न्यूक्लियस का खींचने वाला चार्ज, जैसे ये लिथियम है, लिथियम में 2 सेल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से भैया बगल वाला बेरिलियम है,
तो यहाँ पे दो हो गए, यहाँ दो हो गए, तो ये क्या है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा लगातार ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस चार्ज लगातार आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो ये खींचेगा ज़्यादा बल से, जब ज़्यादा बल से खींचेगा भैया साइज श्रिंक होगी। तो ये वाला नया है अभी का, ये ग्रुप ऑफ पीरियड में, अब लेफ्ट से राइट जाओ भैया साइज छोटी होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता भैया, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता भैया, इंक्रीज होता है, ये बढ़ जाता है इसीलिए ऐसा होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए एक बार, एक बार इसको कर लीजिए, थोड़ा सा ये ज्यादा ही हो गया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भैया, पहले तो भैया पीरियडिक टेबल में स्थिति देखिए कहां कहां पे क्या क्या है। जैसे ये वाला ब्लॉक कौन सा है भैया, यस ब्लॉक, सब क्या होते हैं मेटल है। ये वाला सब क्या होते भैया, ये भी मेटल है, ये सब मेटल होते हैं, डी ब्लॉक भी। इधर देखिए भैया ये क्या है, ये मेटलॉइड है। इधर वाले क्या शो करते भैया, मेटल है, इधर भी नीचे कोर वाले। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ ऊपर है वो भी मेटल है, एक जनरल क्लासिफिकेशन है। इधर वाले नॉन मेटल भैया, या ब्लॉक भैया ज्यादातर इसी के हैं एलिमेंट है ना, जो ये वाले हैं ये ग्रुप 13 के, ग्रुप 3 के ही एलिमेंट है, आपने पढ़ा था ना यहाँ से, ग्रुप 3 पीरियड 6 से और 7 से अलग किए थे, तो यही के हैं भैया, तो हाँ। तो मेटल कौन होते हैं इसमें, देखिए मेटल, मेटल क्या खास बात भैया, कैन लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ये बताइए, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, आईपी कम होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से भैया, जैसे ये है कैल्शियम है भैया, इसमें कौन कौन से हैं, ये है एल्युमिनियम है भैया, इसमें कौन कौन से हैं, मतलब ये कैटायन बनते हैं, तो ये इस तरह से होते भैया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, तो ये सब मेटल होते हैं। मेटल जो जो सॉलिड मैक्सिमम होते हैं ना, मेटल जो लिक्विड होते हैं, कौन कौन से मेटल लिक्विड होते हैं, एक तो मेटल है वो मरकरी है, गैलियम है, फ्रांसियम है, सीजियम है, ये सब भैया ठीक है, ये मेटल। नॉन मेटल भैया, नॉन मेटल क्या करते भैया, कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेते भैया, जैसे कौन कौन से हैं, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये तमाम है भैया। तो नॉन मेटल में कई गैसें जाती हैं, कौन कौन से गैसेज हैं नॉन मेटल में, हीलियम है, ऑक्सीजन है, पहले पूरा यूनिट गैस ले लीजिए, ये सब है भैया 11 गैस है। अब इसके अलावा और क्या चीज आती भैया, मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या खास बात है भैया, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों प्रॉपर्टी भैया, कौन कौन है इसमें, इलेक्ट्रॉन
ये सब है भैया, इसको आपने एक बार याद किया था, याद होगा आपको, सब आसान सीख लें। बाकी बचे हाँ बाद में तुम भी ऐसे फेंका जाओगे, पता नहीं क्या बोल रहा है। मेंडेलीव का पीरियाडिक टेबल तीन बार बताया, नहीं बता सके। अच्छा ये दूसरा वाला है क्या? अच्छा अच्छा गड़बड़ हो गया लाइन। अच्छा एम्फोटेरिक मेटल कौन होते भैया? जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करे ना, ठीक है, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दोनों से ना। कौन कौन से हैं एम्फोटेरिक मेटल भैया बताओ दो चार्ट हो। एल्युमिनियम और जिंक। अच्छा अच्छा हाँ दो था, दोनों बता दिए। चलो ठीक है, एल्युमिनियम है, जिंक है, बहुत है ऐसे। पाइलेन से मान लेते हो इतना नहीं याद होगा, काहे नहीं याद होगा, यहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं। हाँ चलो ठीक है, अभी तुम लोग बच्चे हो छोटे छोटे, बहुत बार पढ़ोगे याद होता रहेगा। तो ये एम्फोटेरिक मेटल था भैया, इसके साथ चैप्टर हो जाता खत्म। अब हम भी वीडियो बंद करके आप लोग से बातें करते हैं, छुट्टी करते हैं इसके बाद। अभी छुट्टी नहीं है तुरंत ही, अभी कुछ मेरी बुकवा दे दो, अब उसकी काम पड़ेगी ना, अगले साल वाले बच्चे ले जाएंगे, इस साल का ओवर होने वाला है। हाँ एक महीने चलाते रहे, एक दिन के लिए मांगा था, दो महीने बाद ले लीजिएगा, दे दो, उसको कुछ है नहीं खास। यह चांद पढ़ लेते हो ना, ये रहता मेरे पास हाई स्कूल की बुक रहेगी बस। हाँ वो पहुँचा देगा। वो इसका बताया था ना आपको, आंटी तेरी पूरी सब्जी बासी, ऐसे बताए होंगे आपको। चलो ठीक है, इतना जितना लिख लो सही है। अभी इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह दिया है, जेड इफेक्टिव वगैरह, बाद में अब 11th पढ़ेंगे आप, ऑक्साइड्स वगैरह कुछ बातें किया है। जानते हो ये मेटल जो होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं ना, बेसिक ऑक्साइड और हार्ड ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल कैसे बनाते भैया? एसिडिक बनाते हैं। शायद ये हमने पढ़ाया होगा बीच में, मेटल नॉन मेटल का कुछ पढ़ा रहे होंगे बीच में, तो वहाँ बात हुई होगी। पर्याप्त 23 मिनट का हो गया है कार्यक्रम।